को बता रहा है पीरियड पीरियड एक स्पेसिफिक ऑफ़ टाइम को बता रहा है और जो भी आपका यूनिट वाली चीजें होती हैं तो case, यहाँ पर आना चाहिए बिकॉज रेस्ट ऑफ देम दे आर प्लूरल इन नेचर तो उनको हम कंसिडर भी नहीं करेंगे मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू एच ऑफ दिक्स बॉय इन द्लास डैश फिनिश द टास्क अब इस में हमारा ईच से स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट इज ईच ठीक है तो ईच एवरी डिस्ट्रीब्यूटेड डिटर्मिनर्स दे ऑलवेज गो विद अगेन सिंगुलर वर्ब्स तो यहां पर हमारे पास सिंगुलर वर्ब्स में हैज है या फिर वाज है तो हैव योर ऐसी चलेगा क्योंकि प्लुरल है ठीक है ईच ऑफ द सिक्स बॉयज इन द क्लास वाज फिनिश्ड नहीं ईच ऑफ द सिक्स बॉयज इन द क्लास हैज फिनिश्ड ठीक है यहां पे हैज आएगा मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ

तो बचा क्या सिर्फ इस, तो दर ऑफ द इम्प्लॉय गिवेन एन अप्रीसी Moving on to the question number four, the movie including all the previews dash about two hours to watch. Subject verb agreement ka one of the most favorite rules. Jab bhi aap together with, along with, as well as. ठीक है तो ऐसे terms को जब भी spot करो हमेशा आपको verb को first subject के साथ agree कराना है. First subject यहाँ पे movie है. Movie is singular in nature. यानी yani verb भी singular होना चाहिए. तो यहाँ पर take नहीं आएगा. टेकिंग अपने आप में सेंस नहीं बनाता इट नीड्स अ हेल्पिंग वो हैव टेकन प्लूरल है सो द ओनली ऑप्शन इज टेक्स द मूवी इंक्लूडिंग ऑल द प्रीव्यूज टेक्स अबाउट टू आवर्स टू वॉच

क्योंकि इनमें एटलीस्ट एक ना एक वर्ब जो है प्लूरल है ओनली ऑप्शन सूटेबल इज वन। मैथमेटिक्स इज जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट व्हाइल सिविक्स इज एंड्रियास फेवरेट सब्जेक्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सी ऑल ऑफ द सीरीज़ इवन द स्क्रैच्ड वन डैश इन द केस बी इन द केस नो ये तो बिल्कुल फिट नहीं होगा ठीक है इज इन द केस ऑल यूज़ करा यार प्लूरल आना चाहिए R in the case क्योंकि was भी singular है so R is the correct answer. On to the last question of the day. There dash 15 candies in that bag. Now there dash only one left. There के साथ आप कौन सा verb लगाते हो? It depends कि subject उसके बाद कौन सा आया है

आई थिंक ये वाला करेक्ट हुआ ना बिकॉज इसमें तो दोनों के दोनों प्रेजेंट में जा रहे हैं बट हम बोल रहे हैं कि पहले इस बैग में पंद्रह कैंडीज थी बट अब एक बची है

चलिए मूविंग अहेड एक और अमेजिंग न्यूज़ है मेरे पास आपके लिए कि वेदांतों की तरफ से हम आपको चैप्टर वाइज नोट्स दे रहे हैं हर सब्जेक्ट के और साथ ही साथ आपको हर जो वीडियो आप हमारे साथ देख रहे हो उसके हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है जस्ट गो टू दीडियो करेंटली वॉचिंग उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक इवन है उस पर क्लिक करते ही ऐसे आपके सामने पीडीएफ खुलेगी जिसके नीचे एक आपको होगा लिंक पे क्लिक करते ही ट्रैक शीट इन फ्रंट ऑफ जहां पर आप ये सब कुछ अवेल कर सकते हो फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट बस मेक श्योर sure करना की आप जब इस लिंक पे क्लिक करते हो तो इट माइट आइस क्यू टू साइन इन अगर अभी तक आपने विदांतों पर एक बार भी साइन इन नहीं करा है वंस यू डू दैट बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर लो यू आर सॉटेड एंड यू कैन अवेल ऑल ऑफ दिस फॉर फ्री सो मेक श्योर टू अवेल इड ऑल्सो गाइज इज